देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। नवरात्र के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज यानी नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कुछ प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। ब्रह्मचारिणी माता ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना छोड़ दिया और कई 1000 वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। और इसी घोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस विधि विधान से करें। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके बाद शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री का भी भोग लगाएं। फिर कलश देवता या नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब इस पूजा का लाभ माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।